दोस्तों एनजी न्यूज नरवाना में आपका स्वागत है और हरियाणा स्पेशल हरियाणा में भी आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपने देखा कि नरवाना का जो आदर्श स्कूल है वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा एक प्रोग्राम किया गया था और उस प्रोग्राम का बहिष्कार करने के लिए किसान पहुंचे। नरवाना के जो बदोवाला टोल प्लाजा से किसान थे वो सारे के सारे वहाँ पहुँच गए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रकार से जो वहाँ प्रशासन था, प्रशासन ने भी देखा कि किस प्रकार की कोई घटना न घटे, उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन भी वहाँ पहुंचा। तो बात करते हैं, हमारे साथ है दनोदा से, क्या नाम है, मनोज है हमारे साथ दनोदा से। क्या कहते हैं आज के बारे में, कैसा रहा जो आज का प्रोग्राम था बीजेपी कार्यकर्ताओं का, जिस प्रकार से विरोध किया गया, सफल रहा या कैसा रहा, इनसे बात करते हैं। राम राम प्रधान जी। राम राम भाई। जो आज बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रोग्राम था और उसको देखते हुए जो अपने किसान है वो लगातार विरोध कर रहे हैं और आज भी किया, तो क्या क्या कारण है सर, ये क्यों प्रोग्राम करते हैं, क्या भाईचारा खराब करने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ और मंशा है इनकी? ये हमारा भाईचारा बिगाड़ने के लिए प्रोग्राम करते हैं। अभी को ये पता नहीं, इनके प्रोग्राम करने से हमारा भाईचारा और भी मजबूत होता है। ये चाहे कितने जितने प्रोग्राम करेंगे हमारा भाईचारा उतना ही बढ़ता चलेगा। हमारा कुंभ हर रोज जुड़ता है। हम सरकार को चेतावनी देते, चाहे तो ये प्रोग्राम बंद कर दो, नहीं आगे से है ना ईंट का पत्थर का जवाब ईंट पत्थर से देंगे। किस प्रकार का प्रोग्राम था ये? सर आज हमने शांति विरोध किया है, पर हमें सीआईडी वालों से और खट्टर साहब से ये कहना चाहते हैं कि अगर आगे से ऐसे प्रोग्राम करेंगे हम लठों के साथ विरोध करेंगे। अच्छा, क्योंकि अभी हमने गांधीवादी तरीका बहुत अपना लिया, अब एक नई क्रांति की जरूरत है। ठीक है, सत्यवान जी क्या कहना चाहोगे, जिस प्रकार से काफी विरोध हुआ और विरोध के ऐसे हालात बन गए थे कि वहाँ पर कोई घटना भी घट सकती थी, जिस प्रकार से बीजेपी कार्यकर्ता अंदर प्रोग्राम कर रहे थे और बाहर जो किसान है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और पुलिस प्रशासन जब सुबह से यहाँ पहुंचा था और आप भी पहुंचे थे, तो जल्दी से एक्शन क्यों लिया गया पुलिस प्रशासन की? देखिए, सरकार अपने तमाम तिरंडे अपना चुकी है, चाहे वो किसान संगठनों को तोड़ने की बात थी, चाहे अन्य गतिविधियाँ थी, लेकिन आज हालात प्रदेश में इस तरह की होगी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले 6 महीने से हरियाणा में कोई कार्यक्रम नहीं कर पा रहे। अभी हमारे जो लोकल साथी हैं उनको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो अंग्रेजों ने इस देश में लगातार अपनाई, वही पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी अपनाना चाहती है। अब ग्राउंड रूप पर लोगों को लड़ा करके इस आंदोलन को कमज़ोर करना चाहती है, लेकिन मैं यकीन विश्वास और भरोसे के साथ कह सकता हूँ और उन भाइयों से अपील भी करता हूँ कि सरकारें आने जानी हैं, जनता से बड़ा कुछ नहीं होता, ये जनता का आंदोलन है। आपने आज के प्रोग्राम में देख भी लिया होगा, हमारी पहली कोशिश रहेगी कि हम आंदोलन को शांति प्रिय के तहत रखेंगे। किसी तरह की अगर उद्घाटनबाजी वो लोग करेंगे तो हम किसी तरह का गलत काम नहीं करेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को चलाने का संयुक्त मोर्चा का फैसला है, उसी को फॉलो करेंगे। पिछले दिनों भी सरकार ने एक प्रयास कराया था, बिजली के बिल, बिजली की रेट मारने का काम प्रशासन को हमने चेता दिया है। अगर इस तरह की कोई गतिविधि प्रशासन दोबारा करेगा तो हम उन कर्मचारियों को गाँव में बंधक बना करके शांतिप्रिय तरीके से प्रशासन को भी कहना चाहते हैं कि इस तरह की गतिविधि दोबारा ना करें, ताकि अगर इस तरह की कोई गतिविधि प्रशासन या बीजेपी के लोग करेंगे तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे जिस प्रकार से किसान यहाँ बैठे हुए हैं नरवाना के टोल प्लाजा से, इन्होंने अपनी बात रखी कि जो भी बीजेपी कार्यकर्ता का प्रोग्राम होगा उनका बायोकाट ऐसे ही किया जाएगा जिस प्रकार से आज नरवाना के आदर्श बाल स्कूल मंदिर में किया गया है। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रोग्राम किया था और लगातार पता है भाई ये मना किया हुआ है भाई ऐसे ना प्रोग्राम करें क्योंकि इस भाईचारा खराब होने की बात है। बीजेपी और जेजेपी के जो इतने भी वर्कर हैं या यहाँ की जो स्थानीय प्रशासन है, हमारा जो धर्मगढ़ टोल प्लाजा के ऊपर धरना प्रदर्शन चला हुआ है, जितने भी हमारे किसान साथी हैं महिला और पुरुष साथी बहुत ही अनुशासन प्रिय ढंग से ये अपने धरने को चला रहे हैं और अनुशासन प्रिय ढंग से ही चला करके हम इनका विरोध करते हैं, काले झंडे दिखा करके। और न हम किसी को लठ मारेंगे, न किसी को थप्पड़ मारेंगे, और विरोध दर्ज करने का हमें तरीका आता है वही अपनाएंगे जो हमारे यहाँ टोल प्लाजा के ऊपर से आदेश होते हैं शांति प्रिय ढंग से। का क्या प्रोग्राम है आगे? हमें कल अपने साइकिलों के पीछे खाली सिलेंडर साइकिलों के पीछे रखे विरोध प्रदर्शन करेंगे, जो इन्होंने इतना 1 महीने के अंदर ही महंगाई, इतनी महंगाई बढ़ा दी इसकी सिलेंडर की कि आम आदमी जो है उज्ज्वला योजना लाए हैं,
शर्माती है हमारे को, मतलब ये शब्द प्रयोग करते हुए मोदी जी को शर्माने चाहिए। अब तो आंखों से आंसू निकलेंगे, पहले धुएं से निकलते थे, जो महिलाएं हैं उनके आंखों से आंसू निकलेंगे पैसा देते हुए इतना। क्या कहना चाहोगे आज जो प्रोग्राम था बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध किया गया किसानों के द्वारा? देखिए हम तो एक बात जानते हैं, जो हमारा आंदोलन शांति प्रिय से हम चला रहे हैं, तो सरकार इसका नजायज फायदा उठाना चाहती है, लेकिन सरकार को समझ लेना चाहिए कि कभी न कभी हमारे मतलब जो शांतमय ढंग से हम चलाना चाहते हैं और सब्र करे बैठे हैं, इसका हम मतलब सब्र का बांध अगर किसान और मजदूर का टूट गया तो इसकी जिम्मेवार खुद और खुद सरकार होगी। प्रोग्राम था आज बीजेपी कार्यकर्ताओं का और किसानों को सूचना मिली थी भी ऐसे ऐसे प्रोग्राम किया, तो क्या प्रोग्राम था और क्या जो प्रोग्राम था किसानों को देखकर उन्हें कैंसिल करना पड़ा या प्रोग्राम पूरा हुआ उनका सर? ऐसा है जी, आज सुबह ही हमको ये सूचना मिली थी यहाँ टोल प्लाजे पर कि आदर्श स्कूल के अंदर आरएसएस और बीजेपी के द्वारा कोई प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन एक सूचना मिलने के बाद ही हमने हमारे टोल प्लाजे से अनाउंस किया, क्योंकि हमारा संयुक्त मोर्चे का ये आह्वान है पूरे देश के अंदर, किसी भी सार्वजनिक जगह के ऊपर हम इनको कार्यक्रम नहीं करने देंगे, सरकार का कोई विधायक हो, एमपी हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, और उसी की तर्ज के ऊपर हमारे मोर्चे के आह्वान के अनुसार हमने नरवाना के अंदर वहाँ हजारों की संख्या में, मैं बधाई भी देना चाहूँगा मेरे बुजुर्गों को, नौजवान दोस्तों को और ख़ास तौर पर मेरी माता बहनों को जिन्होंने हमारी छोटी सी काल को सिर माथे लगाते हुए हजारों की संख्या में वहाँ गए, और वहाँ जाने के बाद देखा कि उनको गेट बंद करना पड़ा और प्रशासन के माध्यम से हमारी कमेटी से उन्होंने माफ़ी मांगनी पड़ी, और प्रशासन ने कहा कि आने वाले समय में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होने देंगे। सर लगातार जब पता है अभी विरोध हो रहा है बीजेपी और जेजेपी का, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने प्रोग्राम करने की कोशिश करी, तो क्या लगता है कि भी स्थिति बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? ऐसा है जी, ये तो सरकार ड्रामेबाजी करती है और लोगों का किसानों का देखना चाहती है, गज लगाना चाहती है, इसमें दम कितना है। हम तो खुली चुनौती देते हैं आज भी सरकार को, कार्यक्रम रख लेना, मुख्यमंत्री करवा के देख लियो, हमने तो ऐलान कर क्या गाँव में और शहरों में किसी जगह नहीं आने देंगे, किसी भी प्रयास को हम सफल नहीं होने देंगे सरकार को। अच्छा एक तो ये बात थी, एक और दो दिन तीन पहले अविश्वास प्रस्ताव हुआ, उसमें सभी विधायक पहले ये करते थे भी हम आप किसानों के साथ में है, फलानी है, ये है, वो है, लेकिन असली चेहरा उस दिन पास पता चल गया भी कौन विधायक आपके साथ है और कौन नहीं, जिसमें से 32 पड़े अपोजिट में और बाकी सारे बीजेपी सरकार के साथ में दिखाई दिए, तो क्या लगता है सर ये जो विधायक है इनकी सच्चाई सामने आई है या किसी दबाव में थे सर? ये ऐसा है जी, ये तो ड्रामेबाजी करते हैं, और मैंने तो कल ही अनाउंस किया था यहाँ मंच के माध्यम से, चाहे कोई भी विधायक है, चाहे बबली हो या कोई जोगीराम सिंह हो, ये केवल किसान के लिए आंसू बहाते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं। असली तो विधानसभा में चर्चा हुई, ये किसान की तरफ नहीं बोले बल्कि सरकार की तरफ खड़े पाए, तो हम तो आने वाले समय में भी आज तो किसान इनकी हर बात को समझ चुका है, हम इनके बकावे में नहीं आएंगे, ये किसान के दुश्मन है, आने वाले समय में भी हम ये कार्यक्रमों का इनका बहिष्कार करेंगे, इनको गांव में बढ़ नहीं देवांगे। 15 तारीख के लिए क्या प्रोग्राम है? 15 तारीख का ट्रेड यूनियनों के साथ किसान मोर्चे का आह्वान है, हम शहर के अंदर बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे और ये निजीकरण है विशेष तौर पर इसका विरोध करेंगे। ठीक है सुनील जी, जिस प्रकार से जो प्रोग्राम किया गया था और सुबह से आप भी पहुंचे थे और वहाँ जो बीजेपी के कार्यकर्ता है प्रोग्राम कर रहे थे, क्या प्रशासन ने उसको रुकवाने की कोशिश करी? क्योंकि वहाँ कुछ भी स्थिति हो सकती थी, कुछ भी घटना घट सकती थी, जिस प्रकार से आपका विरोध जारी था। सबसे पहले तो आपके चैनल से माध्यम से ये कहना चाहते हैं, जो नरवाना का प्रशासन है उसका फर्ज बनता था कि वह प्रोग्राम बंद करवा जाए और उससे भाईचारा बना रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा। नरवाना का तो प्रशासन था वो बीजेपी का प्रोग्राम करवाने के लिए वहाँ पर खड़ा था, लेकिन हमारे जो टोल के अपने किसान थे, जो किसान वहाँ पहुँचे सुबह से, तो उनको पता चल गया कि ये किसान यहाँ पहुँच गए और ये प्रोग्राम नहीं होने देंगे, तब जाके प्रशासन जागा है। और मैं तो प्रशासन से भी ये कहना चाहते हैं कि आइंदा ये प्रोग्राम ना होने दें, अगर ये भाईचारा बिगड़ा तो प्रशासन और बीजेपी के लोग ही जिम्मेवार होंगे इसके। जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो प्रोग्राम कर रहे थे, जब वो बाहर निकल रहे थे, किस प्रकार का उनका रिएक्शन था उस टाइम? बीजेपी के जो कार्यकर्ता उस टाइम स्कूल से निकल रहे थे, तो हमने पूर्ण दौर रूप से उनका विरोध प्रदर्शन किया, और वो ऐसे लिख रहे थे जैसे चोर पब्लिक के, और निश्चिन्ह नहर करके लिखने लग रहे थे, उनको पता लग गया कि भाई तुम्हारे यहाँ विरोध करने के लिए किसान पहुंच चुके हैं, और वो डर के मारे ऐसे चोर की तरह लिखने के भाग रहे थे। अच्छा, जैसे ये स्थिति ऐसी बनती है किसानों के और इनके बीच में,
कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो अपना जो प्रशासन है इनको अनुमति क्यों देता है, पहले सतर्क क्यों नहीं करता भाई आप ऐसा कर प्रोग्राम ना करें जिससे हालात बिगड़े। हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं नरवाना के प्रशासन को, आपका फर्ज बनता है भाईचारा कायम रखने का, और उनसे हम अनुरोध करते हैं कि ऐसी परमिशन नहीं दें तो अच्छा है, क्योंकि किसान आंदोलन में लोग सारे जागरूक हो रहे हैं और जागरूक होने के कारण बीजेपी और जसपा का विरोध हमेशा जारी रहेगा। उनका फर्ज बनता है कि इनको परमिशन न दी जाए। और एक आपके चैनल के माध्यम से एक और कहना चाहता हूँ, कल एक जो जसपा के लोग थे वो कह रहे थे कि ये तो कुछ चार लोग हैं चुनिंदा जो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से उनको चैलेंज है और चुनौती है हमारी। वो कह रहे हैं कुछ चार लोग शरारती तत्व है, वो शरारती तत्व वो है हम नहीं, हम तो भाईचारा कायम रखने के लिए आज भी शांति बनाए रखना चाहते हैं, और प्रशासन को बार बार कह रहे हैं कि भाईचारा खराब करने के लिए जेजेपी और बीजेपी के लोगों को परमिशन ना दे। संयुक्त मोर्चा की तरफ से कोई नई कॉल आई है क्या आगे के लिए सर? हाँ, वो 15 तारीख का और 26 तारीख का प्रोग्राम हमारा वो रूटीन में चलेगा, जैसे कल ट्रेड यूनियनों का प्रोग्राम है वो हम साथ में करेंगे। जिस प्रकार से जो सरकार है लगातार इसको लंबा खींच रही है, क्या किसी प्रकार से और दबाव डाला जाएगा किसी और तरीके से, है कोई ऐसी बात? 2024 के लिए लाइए तो क्या लंबा खींच लो, 2024 तक बैठे हम, तो हमारा मकसद ये है 2024 तक भी हम डटे रह सकते हैं और विरोध प्रदर्शन बीजेपी का करते हैं। 28 तारीख तक के प्रोग्राम तो संयुक्त मोर्चा ने हमारे को दे रखे हैं। अब 15 तारीख का कल का बाजार का प्रदर्शन होगा बहुत बड़ा सत्र पे, और उसके बाद 19 तारीख का मंडी बचाओ खेती बचाओ के नाम पर हम बहुत बड़ा आयोजन करेंगे मेला मंडी के अंदर, और 23 तारीख को शहीदी दिवस मनाएंगे बड़े जोर शोर से, और 26 तारीख को जब इस आंदोलन के 4 महीने पूरे हो जाएंगे तो 26 तारीख को पूरे देश के अंदर सुबह से शाम तक बंद रहेगा, और 28 तारीख को हम होली यहाँ टोल प्लाजा पर सरकार के तीनों कानून काले कानूनों की जलाएंगे। ये प्रोग्राम संयुक्त मोर्चे की ओर से हमारे बीच में आ चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो हमारे साथ थे मंच के संचालक होशियार सिंह और अपने सुनील जी। कल का जो प्रोग्राम है आपने बताया प्रधान जी ने भी, कल नरवाना का जो रेलवे स्टेशन है वहां पर कल प्रदर्शन किया जाएगा, और जो कर्मचारियों की तरफ से कर्म प्रबंध किया जाए कर्मचारियों की तरफ से किया जाएगा और नरवाना के जितने भी किसान आंदोलन में समर्थन दे रहे हैं सभी सभी वहां बैठेंगे, और हमारा चैनल भी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर देना। देखते रहिए हरियाणा और स्पेशल हरियाणा। धन्यवाद।